हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं टेलीविजन के उन कलाकारों के बारे में जिन्होंने कम उम्र में ही कह दिया था इस दुनिया को अलविदा। वो कलाकार जो अब हमारे बीच नहीं है। वीडियो आगे देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल फीफा फूस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रत्युषा बैनर्जी, मशहूर टीवी शो बालिका वधू से पॉपुलर होने वाली एक्ट्रेस प्रत्युषा बैनर्जी ने 24 साल की उम्र में कह दिया था इस दुनिया को अलविदा। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्युषा ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल से खराब रिश्तों से परेशान होकर 1 अप्रैल 2016 को कर ली थी सुसाइड। कवि कुमार आजाद, बहुत ही पॉपुलर टेलीविजन सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी के किरदार से पॉपुलैरिटी पाने वाले कलाकार कवि कुमार आजाद का हार्ट अटैक से 9 जुलाई 2017 में 37 साल की उम्र में ही निधन हो गया। कुशाल पंजाबी, इन्होंने कई टीवी शोज और मूवीज में काम किया है। इन्होंने भी किया था सुसाइड। इनके दोस्तों का कहना था कि ये अपनी निजी जिंदगी में काफी ज्यादा परेशान रहा करते थे। इनके डिवोर्स के बाद इन्हें खुद के बेटे से मिलने नहीं दिया जाता था, जिससे परेशान होकर 2019 में 37 साल की उम्र में ही कर ली थी इन्होंने खुदकुशी। संदीप आचार्य, एक फेमस रियलिटी शो के विनर रह चुके संदीप आचार्य का बीमारी के चलते हो गया था 15 दिसंबर 2013 में निधन। इनकी उम्र तब थी 29 साल। अबीर गोस्वामी ने कई टीवी शोज में काम किया था और साथ ही वो एक डबिंग आर्टिस्ट भी थे। 31 मई 2017 को 37 साल की उम्र में हो गई थी इनकी डेथ हार्ट अटैक से। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।